गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के बेसिक की। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.1 से लेके और एक्सरसाइज 3.4 तक, तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, मीन्स हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। जनरली हमने बात की एक्स और वाई वेरिएबल की, तो इसको सोल्व करने के अभी तक हमने थ्री मेथड्स के बारे में डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्यूशन फाइंड किया। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड किया। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड से जो है सॉल्यूशन फाइंड किया, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी एक बेहद इंटरेस्टिंग मेथड है, आइए समझते हैं इसको। प्यारे बच्चों, आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है टू वेरिएबल में, तो उनकी जनरल फॉर्म अगर हम लिखें, हम उनको लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, और इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो हमने ये टू लीनियर इक्वेशन लिख ली है टू वेरिएबल्स में, या फिर कहें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख लिया है टू वेरिएबल्स में। अब इस लीनियर इक्वेशन से हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन में से हमें फाइंड कर लेनी है वैल्यू किसकी, a1 की, b1 की और c1 की, इसी तरह से a2 की, b2 की और c2 की। कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जितने भी टर्म है वो सारी लेफ्ट साइड में है, इनके कांस्टेंट पार्ट भी दोनों, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का भी और सेकंड लीनियर इक्वेशन का भी जो कांस्टेंट पार्ट है वो लेफ्ट साइड में हमने किया है, यानी कि अगर वो राइट साइड में है तो पहले उसको आप लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, वाई की और एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है और फिर उसकी वेरिफिकेशन। अब यहां से देखो, हमें अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो हम x और y को लिखते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है x की और y की। अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, x y और यहां पे लिख लेंगे आप 1, कॉन्स्टेंट के लिए आप 1 लिखेंगे। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आप लिखेंगे b1 b2, यहां पे c1 c2, यहां पे a1 a2 और यहां पे b1 b2। इस तरह से आप ये एक डायग्राम बना देंगे, यहां से आप ये क्या करेंगे, एक डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। इसमें देखो यहां पे हमने x y और 1 लिख लिया, इसके बाद b1 से स्टार्ट है, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 और b2। अब आप क्या करेंगे, यहां पे x y और 1 x y और 1 डिवाइड बाय x y और 1 करने के बाद डिवाइड बाय आप लिखेंगे। यहां पे देखो x के डिवाइड में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगी, b1 c2 माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई b2 c1, ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इक्वल टू, अगले में हम करेंगे, अब पहले ऊपर से नीचे आएंगे नहीं तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, इसकी इसके साथ यहां पे
C1A2, इसको A2C1 भी लिख सकते हैं और C1A2 भी लिख सकते हैं। तो C1A2, देखो C1A2 या A2C1 एक ही बात है, मतलब A को पहले लिख लो, B को बाद में, C को उसके बाद में, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। यानी कि आप इसको आप A2C1 भी कह सकते हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम इसको लिखते हैं A2C1 माइनस, अब ये इनकी मल्टीप्लाई यहां पे है A1 और C2 की, तो A1 और C2 ये हमारे पास Y के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम इक्वल लिखेंगे, अब वन के लिए हम करेंगे, तो अब इसकी इसके साथ A1B2 माइनस A2B1। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके फर्स्ट को और थर्ड को इक्वेट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड और थर्ड पार्ट को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही तो हमें काम करना था। तो प्यारे बच्चों, इसी को, इस क्रॉस की वजह से इसको हम बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो काफी इंटरेस्टिंग मेथड है यहाँ पे हमारे पास ये। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x + 5y दैट इज इक्वल टू 13 और 5x - 2y दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमने ले लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको सारे काम को लेफ्ट साइड में लिखें। तो इसको जब हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 5y - 13 दैट इज इक्वल टू 0 और 5x - 2y - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी। आप इसको 1 मान सकते हो, इसको 2 मान लेंगे, तो ये हमने नई फॉर्म बनाई है, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। अगर 1 ही बनाई है, मान लो ये ऐसे ही क्यों होता तो फिर आसान था। अब थोड़ा सा हमें क्या कर रहे हैं, पहले इसको लेफ्ट साइड में ले आए। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे, हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे इसको इसके साथ, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 विद A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 रिस्पेक्टिवली। मीन्स 3 के साथ और इसको कंपेयर कर रहे हैं, 4 और इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी, A1 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 = 3, B1 = 5 और C1 = -13। इसी तरह से A2 = 5, B2 = -2 और C2 = -2। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम ये डायग्राम बना लेते हैं, हमारे पास ये हम डायग्राम बना लेते हैं, क्या है हमारे पास, ये एक्स है, वाई है और वन है, बी वन सी वन, इसके बाद A1 और फिर B1, B1 B2 C1 C2, A1 A2 और B1 B2। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे।
इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा x है, यहां पे हमारे पास y है और ये हमारे पास 1 है। तो b1 और b2 ये 5 और माइनस 2, c1 और c2 माइनस 13 और माइनस 1, ए वन और ए टू 3 और 5, और फिर हमारे पास बी वन और बी टू 5 और -2। तो ये हमने वैल्यूज रखी। अब हमें क्या करना है, क्रॉस करने हैं। चलो पहले लिख लेते हैं एक्स डिवाइड बाय इसकी इसके साथ 5 की माइनस 1 के साथ करेंगे तो -5 बनेगा। साइन का ध्यान रखना आपको, माइनस इसकी इसके साथ -2 की और -13 की करेंगे तो +26 आएगा, +26 हमें मिला इससे और यहां माइनस आएंगे, दैट इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय इसकी इसके साथ -13 की 5 के साथ -65 माइनस, ध्यान से इसकी इसके साथ करेंगे जब तो -1 की 3 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा और यहां माइनस है, पहले -3 यहां से मिलेगा और ये माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय इसकी इसके साथ करेंगे 3 की -2 के साथ करेंगे तो -6, माइनस पहले लिख लेंगे आप, और 5 की 5 के साथ करेंगे 25, तो सिंपल 25। अगर ये -25 बनता तो ये प्लस का हो जाता। अब हम इसको देखते हैं ये वैल्यूज कितनी क्या क्या बनती है। ये हमारे पास आ गया x डिवाइड बाय -31, ये हमारे पास आ गया y डिवाइड बाय -62, और ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाय -31। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को, सेकंड और थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। हम लिखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक इसी तरह से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट को और थर्ड को लेंगे, सेकंड को और थर्ड को लेंगे, इससे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, फर्स्ट है एक्स डिवाइड बाय -31 और 1 डिवाइड बाय -31। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स की और -31 की करेंगे तो -31x और 1 की और -31 की करेंगे तो -31, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 31x इज इक्वल टू 31, एक्स इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय 31, कैंसिल हो जाएगा 1 पे, तो x की वैल्यू आ गई 1। यहां से और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देखो जब भी इक्वल का साइन हो तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, ये -31 यहां भी -31, इसको सीधा ही कैंसिल करके एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। तो बिल्कुल इजी सी बात, अगर आपको पता है ये, बाकी सभी तरह के क्वेश्चन में इस तरह से ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट, अगर हम सेकंड और थर्ड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है y डिवाइड बाय -62 और -1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय -31, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -31y इज इक्वल टू -62, क्योंकि y की और -31 की करेंगे और 1 की -62 करेंगे, साइन चेंज कर लेते हैं, 31y इज इक्वल टू 62, y इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाय 31, ये 1 पे और ये 2 पे, तो y इज इक्वल टू 2। तो कह रहे बच्चों x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो इन चारों में से कोई भी, जैसे हम फर्स्ट भी ले लेते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 है, x की जगह पे 1 है, तो 3 की 1 के साथ करेंगे
थ्री इंटू वन प्लस फाइव इंटू टू इज इक्वल टू थर्टीन। थ्री इंटू वन तो थ्री होता है, फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा थर्टीन, तो थर्टीन इज इक्वल टू थर्टीन, यानी कि सही है हमारे पास। तो इस तरह से जब भी आप कोई क्वेश्चन करें उसकी वेरिफिकेशन जरूर करें। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, काफी इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई है उसमें सारे काम को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड के कोरस्पोंडिंग एक डायग्राम बना लेंगे, उस डायग्राम में बी वन बी टू सी वन सी टू बी थ्री सॉरी बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू और बी वन बी टू की वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके बाद क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड को और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। एक और मेथड जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। आप यहां पर चाहे इस इक्वेशन से भी इसको सोल्व कर सकते थे। अब इसमें देखो जो कॉन्स्टेंट पार्ट है वो लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में है, कॉन्स्टेंट पार्ट है जो वो राइट साइड में है, और कॉन्स्टेंट पार्ट जब राइट साइड में है तो यहां पे आपको वन की जगह पे माइनस वन लिखना पड़ेगा। यहां पे वन की जगह पे माइनस वन आ जाएगा, यहां पे वन की जगह पे माइनस वन आ जाएगा, यहां पे माइनस वन आ जाएगा। तो फर्स्ट इनको सोल्व करोगे तो उससे भी आंसर सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर इसको इसी तरीके से करें सोल्व तो उसमें आप वन की जगह पे माइनस कर लेंगे, लेकिन कोई विशेष जरूरत नहीं है, हम एक ही जो पैटर्न है उसको फॉलो कर लेते हैं कि हम इसको सारे को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करके और उसको सोल्व करके हम डायग्राम में वैल्यू पुट करके फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करके और फर्स्ट को थर्ड को इक्वेट करके सोल्व कर देंगे, हमारे पास एक्स की और वाई की इजिली वैल्यू आ जाएगी। तो पेरेंट्स ये हो गया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you very much.